हेलो एंड वेलकम टू एमबीटीवी प्रोजेक्ट रिव्यू। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव और आज हम रिव्यू करेंगे प्रोजेक्ट गौर एरोस्पेस को, जो कि गौर यमुना सिटी का ही पार्ट है और इस वक्त हम मौजूद हैं गौर यमुना सिटी में। ढाई सौ एकड़ में फैली गौर यमुना सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां आपको प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, रिटेल आउटलेट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, विलास, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे कई ऑप्शंस मिलेंगे। इसी गौर यमुना सिटी का एक और पार्ट है गौर एरो सुइट्स, जहां आपको शॉप्स और कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स मिलेंगे। आज हम गौर एरो सुइट्स को ही रिव्यू करेंगे। ग्रेटर नोएडा में बन रहा गौर एरोस्वीट्स यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 19 में डेवलप हो रहा है। इसकी मेजर अप्रोच रोड्स हैं डॉक्टर बीआर अंबेडकर रोड, जिसके पैरेलल ही है यमुना एक्सप्रेसवे, जो प्रोजेक्ट को ग्रेटर नोएडा, नोएडा और दिल्ली से कनेक्ट करता है। इसके साथ ही मिर्जापुर रोड भी प्रोजेक्ट की अप्रोच रोड है। गौर एरोस्पेस लगभग 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर 17 फ्लोर का एक टावर होगा। आइए जानते हैं प्रोजेक्ट की कुछ और स्पेसिफिकेशंस। गौर एरोस्पेस में लगभग 93 शॉप्स और 800 स्वीट्स ऑफर किए जा रहे हैं। इसी टावर के ग्राउंड फ्लोर में शॉप्स होंगी, फर्स्ट फ्लोर से 16th फ्लोर तक कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट होंगे और 17th फ्लोर में डेवलपर एमिनिटीज प्रोवाइड करेंगे। कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट से मतलब ये है कि आप इसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे होटल का एक रूम होता है, ये स्टूडियो अपार्टमेंट आप उसी तरह किसी कंपनी को लीज आउट भी कर सकते हैं, ऑफिस सेटअप कर सकते हैं, या अगर आप खुद रहने की सोच रहे हैं तो बता दें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मीटर कमर्शियल होगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको पार्किंग के लिए पे करना होगा। आपको पेड पार्किंग मिलेगी जिसका अमाउंट अभी डिसाइडेड नहीं है। शॉप्स की बात करें तो ये 100 से 125 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया की होंगी, तो वहीं स्टूडियो अपार्टमेंट का कार्पेट एरिया है 290 स्क्वायर फीट। ये सभी एरियाज राउंड फिगर्स में हैं। गौर एरोस्वीट्स गौर यमुना सिटी में एरो सिटी का पार्ट है, जो रेरा रजिस्टर्ड है और इसका एक्सपेक्टेड कम्प्लीशन दिसम्बर 2024 तक है। 250 एकड़ में फैली गौर यमुना सिटी का ये लेआउट है। 60 मीटर वाइड रोड से 3 मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। गौर यमुना सिटी का एक हाईलाइट यमुना लेक पार्क है। यमुना सिटी में ठीक इसी जगह पर है प्रोजेक्ट गौर एरोस्पेस, जिसकी हम बात कर रहे हैं। गौर एरोस्पेस के लिए आप गेट नंबर 1 से एंटर होंगे, जहाँ एंटर होते ही कुछ दूरी पर लेफ्ट साइड पर पड़ती है प्रोजेक्ट साइट। प्रोजेक्ट साइट से थोड़ा सा ही आगे है 9 एकड़ में बना यमुना लेक पार्क, जो एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है। ये गौर एरोस्पेस के 15th फ्लोर का प्लान है, जहां 2 स्टेयरकेस कॉर्नर में और 1 स्टेयरकेस सेंटर में है। 4 पैसेंजर लिफ्ट्स हैं सेंटर में और दोनों कॉर्नर्स में 1 लिफ्ट ईच है। एक लंबा पैसेज इन स्टूडियो अपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ पर आपको एक साइड से लेक व्यू और दूसरी साइड से एक्सप्रेसवे का व्यू का ऑप्शन मिलेगा। इस फ्लोर के कॉर्नर में आपको टेरेस गार्डन की स्पेस मिलेगी। प्रोजेक्ट वास्तु कंप्लायंट है और यहाँ पर डेवलपर आपको लिमिटेड एमिनिटीज ही दे रहे हैं। टेरेस पर मिल रही एमिनिटीज में लैंडस्केप्ड स्पेस, पूल, हॉल एरिया, कैफेटेरिया और इंडोर गेम्स शामिल हैं। प्रोजेक्ट साइट में बहुत बड़ी कृष्ण मूर्ति बन रही है, जो यहाँ का एक और हाईलाइट हो सकती है। ये गौर एरोस्वीट्स का यूनिट प्लान है, जहाँ एंटर करते ही एक साइड पैंट्री एरिया और एक साइड वॉशरूम है। डेवलपर आपको ड्राई पैंट्री में एक प्लेटफॉर्म विद सिंक और इसके नीचे बेसिक वुड वर्क करके देंगे। ये पैसेज आगे आपको ले जाएगा रूम की तरफ। इस यूनिट प्लान के तहत हम देख सकते हैं कि डेवलपर ने एक पार्टीशन के सहारे इस रूम को लिविंग और बेडरूम में डिवाइड किया हुआ है। आपको ये एक हॉल की तरह ही मिलेगा और आप चाहें तो पार्टीशन करें या इसे एक बड़े रूम की तरह ही रहने दे सकते हैं। इसके साथ ही एक बालकनी भी मिलेगी। प्राइसिंग की बात करें तो शॉप्स का पर स्क्वायर फुट रेट राउंड फिगर में 20,000 रुपीज है।
गौर एरोस्पीट्स में कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट का पर स्क्वायर फुट का बेस रेट है 4,799, जिसके बाद आपको एडिशनल पीएलसी, क्लब मेंबरशिप, पावर बैकअप, इलेक्ट्रिक मीटर और जीएसटी जैसे चार्जेस देने होंगे। यहां पर 10th फ्लोर से ऊपर आप जाएंगे तो रेट बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह है व्यू। ये सब मिलाकर आपको एक स्वीट पड़ेगा लगभग 30 लाख रुपए का। अगर हम इस एरिया की बात करें तो प्रोजेक्ट से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में अजनारा ग्रुप का अजनारा पैनोरमा में भी आपको स्टूडियो अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। स्क्रीन पर आप इनका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस देख सकते हैं। अब देखते हैं आसपास के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को। यमुना सिटी में ही गौर इंटरनेशनल स्कूल फंक्शनल है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल यहां से 7 किलोमीटर दूर है। यहां से 12 किलोमीटर के रेडियस में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, जहां स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स फ्यूचर में इसे एक ऑप्शन की तरह देख सकते हैं। मनोरंजन के लिए यमुना लेक पार्क और GYC स्पोर्ट्स पार्क करीब है। शॉपिंग नीड्स के लिए GYC गैलेरिया टाउनशिप में ही है। हेल्थ केयर की इमीडिएट नीड्स के लिए आप निम्स जा सकते हैं, तो वहीं यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। गौर्स ग्रुप रियल एस्टेट सेक्टर में एक जाना माना नाम है, खास करके दिल्ली NCR सेक्टर में। इस कंपनी ने अभी तक 65 प्लस प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो गौर सौंदर्यम हाई स्ट्रीट और गौर सिटी गैलेरिया डेवलपर के 2 डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं। तो वहीं द आइलैंड बाय गौर्स, गौर वर्ल्ड स्मार्ट स्ट्रीट और LPW गौर सिटी सेंटर इस कंपनी के कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो यूपी सरकार द्वारा नोडल एजेंसी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस एरिया के इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए असाइन किया गया है। यहाँ पर काफी कुछ प्लान्ड है, जिसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी सेक्टर 21, मेडिकल डिवाइस पार्क, 2 मेट्रो लाइंस शामिल हैं। साथ ही 430 एकर्स में इंडस्ट्रियल और 25 एकर्स इंस्टीट्यूशनल यूज के लिए पतंजलि योगपीठ को अलॉट किया गया है। आप ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। जैसा पेपर्स पर दिख रहा है, अगर सब कुछ वैसा ही हुआ तो इस एरिया का फ्यूचर ब्राइट दिखता है। स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मगर एरिया का डेवलपमेंट और स्टूडियो अपार्टमेंट्स की डिमांड पर भी ये इन्वेस्टमेंट काफी निर्भर करेगा। अगर आप दिल्ली NCR में कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये ऑप्शन हो सकता है, मगर आपको ख्याल रखना होगा कि आपका पर्पस क्या है। आपको अपने रिटर्न के लिए लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे के फ्यूचर डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर गौर एरोस्पीड्स को जरूर प्रमोट किया जा रहा है, मगर प्रोजेक्ट साइट से 25 किलोमीटर दूर इस एयरपोर्ट को फंक्शनल होने में अभी वक्त है। इसके अलावा DND से प्रोजेक्ट 45 किलोमीटर दूर है। इतने दूर प्रोजेक्ट को खरीदने और बेचने में अपने चैलेंजेस भी हैं। आपको हमारा प्रोजेक्ट रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। डू सब्सक्राइब टू MBTV। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मनीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।